हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज अखिल अखवानी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो आज जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, वो है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। जैसे अपन ने देखा था, जो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, उसमें क्या देखा था, सेंटर में न्यूक्लियस होती है और साइड में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, जैसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है प्लांट सेल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब ये जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में अपन को कहीं भी नहीं मिलेगी। इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये जो सेल वॉल होती है, ये रिजिड होती है, कठोर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, पोरस होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज। अब सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, सेल वॉल बनी हुई होती है किसकी, सेल्युलोज की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में। ठीक है, सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर लैमेला। ठीक है, अब जैसे दो सेल है ना, जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास ये मान लीजिए कि ये इस तरीके से मान लीजिए कोई एक सेल है। ठीक है, तो ये इसकी आउटर मोस्ट मैंने एक वॉल बना दी। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसकी वॉल है ना, एग्जाम्पल के लिए डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल ही बता। तो ये एक सेल हो गया, इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियस वगैरह होगा। तो इसका मान लीजिए एक सेल और है अपने पास। ठीक है, तो ये एक सेल और मैं बना देता हूँ इस तरीके से, तो बना दिया। ठीक है, तो ये बन गई मेरी दूसरी सेल। तो ये दोनों जो ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो ये जो ज्वाइन होते हैं ना, तो ये किससे ज्वाइन होते हैं, ये एक लेयर से ज्वाइन होते हैं और उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, लैमेला। ठीक है, तो दो जो सेल होती है, दो सेल जिस लेयर से ज्वाइन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो हो गया अपना सेल वॉल के बारे में। अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं, वो अपन देख लेते हैं कि सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट जो अपन देखेंगे, आप क्या देखेंगे, आप फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सेल वॉल के फंक्शन बताओ, तो बेसिकली अपन को तीन फंक्शन देखना है यहाँ पे। जो पहला फंक्शन है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डेफिनाइट शेप टू द सेल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करता है, एक सेल को क्या करता है, डेफिनाइट शेप देता है, एक फिक्स शेप प्रोवाइड करता है। कौन करता है, ये सेल वॉल करती है। सेकंड अपन बात करें, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। क्या करती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है, सेल को मजबूत बनाती है। जैसे अपन बात करें, मैंने पिछले लेक्चर में आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का, वो कम होता है बाहर के कंसंट्रेशन, मतलब बाहर ज्यादा होता है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वाटर जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा सेल में, बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो वो सेल क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो वो बर्स्ट ना हो, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड में काम कौन करता है, यहाँ पे सेल वॉल करती है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें एक और, तो ये जो होती है, इट इज परमिएबल परमिएबल एंड अलाउ सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, सेल वॉल जो होती है परमिएबल होती है। ठीक है, और जो सब्सटेंस को अलग अलग साइज के सब्सटेंस को ये अलाउ करती है अंदर जाना और बाहर आना। तो बेसिकली अपने पास तीन फंक्शन है सेल वॉल के, जो आपको लर्न करना, नोट कर लेना।
होपफुली नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। तो अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद एक मोशन चैप्टर पढ़ा, एर्थ चैप्टर, और ये फिफ्थ चैप्टर अपना चल रहा है, ठीक है। तो नोट्स होपफुली आपने सभी चैप्टर्स के बना दिए होंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के तो अभी नोट्स ही चल रहे हैं, बहुत जल्दी मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा जब भी ये चैप्टर अपना खत्म होता है। तो तब तक घर पर पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।